दोस्तों डंकी मूवी को देखकर विजय थलापति ने बहुत ही बड़ा रिएक्शन दे दिया। विजय थलापति कहते हैं, डंकी जैसी मूवी बहुत ही कम बनती है और इस बार शाहरुख ने बहुत ही बड़ी तबाही मचा दी है। शाहरुख इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार है और उनकी मूवी में बहुत ही अच्छा सामाजिक और राजनीतिक संदेश होता है। शाहरुख हमेशा बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज देते हैं, वो हमेशा बहुत प्यारी मूवीज बनाते हैं और ऐसी मूवीज आनी चाहिए जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिले। इस बार इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कमाई शाहरुख ने की है और ये रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार राजकुमार हिरानी ने जो कहानी लिखी है वो काफी इमोशनल है और डंकी में जो कुछ दिखाया गया है वो सब कुछ सच है और इस मूवी को देखकर काफी लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। लोगों को शाहरुख की डंकी ने काफी कुछ नया सिखाया भी है और इस बार जो डंकी से शाहरुख कमाएंगे वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर मूवी कभी भी इतना बड़ा कलेक्शन नहीं कर सकती। लेकिन जहां पर बादशाह का नाम आता है वहां पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती और ऐसा ही हो रहा है। डंकी ने पहले दो दिनों में अपनी बजट को रिकवर कर लिया है जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले पठान, उसके बाद जवान और अब डंकी। मानो इस बार शाहरुख सुनामी बनकर बॉक्स ऑफिस पर बरस रहे हैं और जो कमाई एक साल में शाहरुख ने की है वो बड़े बड़े एक्टर भी 5 साल करने में लगा देते हैं। लेकिन शाहरुख का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा और अगर डंकी 1000 करोड़ कमाती है तो सुनामी का मंजर होने वाला है। और वहीं इंडिया में डंकी की एडवांस बुकिंग ने ताबड़तोड़ तबाही मचा दी है और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इंडिया में डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स भी मिल चुके हैं। इस पर YRF इंडिया में और ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की संभावना है और यह अब एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। डंकी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है जिसकी वीडियो आपको ट्विटर पर देखने को मिलती है। दोस्तों शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि जवान के बाद शाहरुख खान का स्टारडम काफी बड़ा है और अब तो राजकुमार हिरानी की मूवी में शाहरुख खान आएंगे। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। सच बताना, आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो और आप क्या डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे? कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना ताकि हमारे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।